145 सेक्शन है, 145 सेक्शन में भी हमें 50 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें संभावना रहेगी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि एक से लेकर चैप्टर चैप्टर वन में तो डेफिनेशन क्लॉज में एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर वन के डेफिनेशन क्लॉज में एक क्वेश्चन पक्का है। अब उसके बाद वाला जो पार्ट है उनमें कोई दो क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 6 से 153 तक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अब वो दो क्वेश्चन कौन से हैं ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर ही फोकस करना है, बेयर एक्ट पर तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बेयर एक्ट पर? ऐसी ना तो कोई ट्विस्टिंग चीज है जिसे बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए। बेयर एक्ट में जो काम की चीज है ना, वो मैंने खुद ने वो मेहनत कर ली है और उसको इतना सिस्टमेटिक लिख दिया है जो आपकी आवश्यकता है। देखो यदि आपने नोट्स को देखा हो तो नोट्स कैसे लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हुए हैं सेक्शन की जिस्ट के तौर पर, ऐसे नहीं लिखे एक लाइन यहां से उतार ली, मतलब पूरे सेक्शन को समझकर और उसको जिस्ट के फॉर्म में लिखा है कि इसमें से महत्वपूर्ण बात भी आ जाए और पूरे सेक्शन की एक जिस्ट बन जाए। ठीक है, इस तरह ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं। जब सारे नोट्स इस तरह लिखे हुए हैं तो हमें आवश्यकता नहीं है उस बेयर एक्ट की पूरे की पढ़ने की। एक आध कोई क्वेश्चन इस तरह आता है, एक आध कोई क्वेश्चन इस तरह आता है आपकी डीटीपी में या वैसे, तो वो बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं। आए हुए क्वेश्चंस में शायद ही कोई क्वेश्चन आया हो जो मैंने चीज ना डाली हो और मेरे नोट से बाहर आ गई हो। इन नोट से बाहर आता नहीं है कोई क्वेश्चन, और ये एक दिन में बने नहीं है, हर साल प्यूरिफाई हुए, हर साल प्यूरिफाई हुए। कुछ चीजें जो काम की नहीं थी डिलीट मारता चला गया, कुछ चीजें काम की थी ऐड करता गया। तो बहुत ही शानदार, जिसे कहें ना बहुत शानदार, उस रूप में बने हुए हैं। अब आपको इनका क्या करना चाहिए, एक टाइटल लिखा और टाइटल से आपके कुछ कुछ शब्द वो लिखने हैं बस, और उसके इन 153 सेक्शन के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 5 पन्ने बनाने, और 5 पन्ने बनाकर और 2-3 दिन बाद उन पन्नों को फाड़ कर फेंक देना है। क्योंकि यदि वो यहां लिख गए हैं तो उन पन्नों की कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई है, यदि वो यहां नहीं लिखे गए हैं तो पन्ना की आवश्यकता है। और उसके लिए लिख गए हैं तो बार 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 अपने अपने मस्तिष्क को पूछते रहिए, पन्ने जेब में रखें, पूछते रहिए अच्छा उसमें क्या है, इसमें क्या है, कौन कौन सी क्रिमिनल कोड्स हैं, क्या है। तो इसमें बहुत सरलतम पार्ट है ये। अच्छा, सरल को मैंने सबसे पीछे क्यों लिया? अभी ऐसा लग रहा है मेरे पार्ट पर सीआरपीसी एक बार तो पूरी हो चुकी है, तो मेरे को भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया हुआ है। और आप लोगों को भी आया हुआ है कि एक बड़ा पहाड़ जैसा सब्जेक्ट हमने जीत लिया, उसमें इतने सारे डीटीपी, इतने सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने किए हैं ना, जो बन गए हैं, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। लेकिन कभी भी क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं चलाए जा सकते, क्वेश्चन क्वेश्चन वही क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके आ जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, आप उसमें गलती कर देंगे। और आप कि अपनी ईमानदारी से किए हुए पेपर में आपका जब स्कोर आता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, यार मेरा लेवल ये बढ़ गया है। आप देखो कि जैसे वो रमेश कह रहा था, रमेश ने कहा कि सर मेरे वही रहते हैं 40 से 45% के आसपास मेरा स्कोर चल रहा है, तो वो कितने पेपर करे अभी वही स्कोर चल रहा है, थोड़ा 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 हल्का 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 जंप करेगा उसका। ये सबके साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपका 40-45% चल रहा है एक झटके में कल 100% या 90% कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता।
कल इसे अनुज ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने इसे कल बताया थोड़ा ब्रीफ में, फिर भी इसके समझ में आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन पूछा था इसने कि सर अपील में और रिवीजन में क्या अंतर है, अपील में और रिवीजन में क्या अंतर है। अपील और रिवीजन बिल्कुल अलग है भाई, बिल्कुल ही अलग है। देखो अभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इसलिए मैं इंतजार रखता हूं कि भाई कोई आ जाए तो, मैं इसलिए दूसरी चीज पर आ जाता हूं। अपील, अपील का एक चैप्टर है जो 372 से लेके 394 तक है। कौन सा चैप्टर है ये, है कौन सा? हाँ 372, 29, चैप्टर नंबर 29। यह तुम पढ़ते तो अपील की डेफिनेशन नोट्स में पहले ही पहले ऊपर दी हुई है। अपील की डेफिनेशन क्या है? अपील की डेफिनेशन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कुछ भी अशुद्धि रह गई है, जो कुछ भी कमी रह गई है, उसे पूरा करने की प्रक्रिया अपील है। तो पढ़ी थोड़ी थी आपने डेफिनेशन को, नोट्स में लिख रही है, बेरेक में नहीं लिखी हुई, लिख रही है ना नोट्स में डेफिनेशन, नोट्स में डेफिनेशन है कि नहीं है? है तो क्या है ये? नीचे की कोर्ट ने शुद्धता के आधार पर जजमेंट नहीं दिया। दूसरा, 372 में लिख रहा है कि जब तक अपील के, क्या जब तक अपील के, जब तक अपील के प्रावधान ना हो तब तक कोई अपील नहीं होती है। और प्रीतम सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अपील एक आपकी याचना है, प्रोविजन के बावजूद भी एक याचना है, दिस इज जस्ट पिटिशन, इट इज नॉट योर राइट, इट इज चॉइस ऑफ द कोर्ट। और अपील का एक आधार होता है, किस आधार पर आप ये कह रहे हो कि जिस न्यायालय ने जजमेंट दिया है वो जजमेंट सही नहीं है? समझ में आ गए? अब आता है रिवीजन। अपील में यह भी देखा था कि कुछ कोर्ट्स हैं जिनके पास अपील की पावर्स हैं, जैसे हम देखें तो एक सीजेएम की कोर्ट के पास भी अपील की पावर होती है, लेकिन इट इज लिमिटेड पावर। कितनी है? जैसे मान लो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो अपील सीजेएम के आ जाएगी, सीजेएम सुन लेगा। या सेशन जज ने किसी मामले में सीजीएम को कहा है कि आप इस अपील को सुन लो, अन्यथा नहीं सुन सकते। ठीक, तो इसमें एडिशनल सेशन जज और सेशन जज और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी कि दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील्स, दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील्स। और जैसे आप क्या क्या क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा करो, आप कई बार हो सकता है कि आपका संकोच होता हो, आप संकोची मत बनो, आप खूब प्रश्न पूछो मेरे से, मैं उससे कभी भी विचलित नहीं होता। लेकिन जब आप मेरे पास केबिन में प्रश्न पूछने आते हो तो वहां भी जवाब दूंगा, लेकिन इतने डिटेल में जवाब मैं कभी देता ही नहीं जितने डिटेल में मैं क्लास में दूंगा। कभी कभी मैं वहां पूछे हुए प्रश्न को इसलिए रिजर्व रख लेता हूं कि हो सकता है ये प्रश्न किसी और स्टूडेंट का भी हो तो ये और को भी लाभान्वित कर दे। ठीक है, समझ में आएगा अपील। अब दूसरी होती है रिवीजन। जो रिवीजन है ना,
रिवीजन की पावर सिर्फ दो कोर्ट को ही है, एक तो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को ही पावर है रिवीजन की, ये सेक्शन 397 में दे रखी है। बहुत सेक्शन नहीं है, कौन से सेक्शन में दे रखी है? 397 में दे रखी है। साथ में आपको और क्या समझना है कि रिवीजन में, रिवीजन है क्या, जो अधीनस्थ न्यायालय है जिस पावर का यूज उसे करना चाहिए उसका किया नहीं, और जिसका नहीं करना चाहिए उसका किया। जिस पावर का यूज उसे करना चाहिए था उसका तो किया नहीं, और जिसका नहीं करना चाहिए था उसका किया। एक तरह से कोर्ट क्या कर रहा है, वॉयलेटिंग द सिस्टम, सिस्टम को वॉयलेट कर रहा है। तो एक तरह से इट इज जस्ट लाइक ए कंप्लेंट टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसमें एक शब्द प्रयोग किया था, अभिलेखों को मंगाना, ये शब्द पढ़ा था ना, कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों को मंगाना। मैंने इसके साथ ये भी बताया था ना, उत्प्रेषण रिट को भी बताया था इसी के साथ, ऐसी ही संविधान में वहां पर भी मंगाता है। उत्प्रेषण रिट में और ये रिवीजन एक ही है ना, अलग अलग है बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज है ऐसी, कहा जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी कर सकते हैं। सर्चोरेरी रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिट है, ये जो रिट है क्यों जारी की जाती है, नीचे की कोर्ट ने फिर वॉयलेशन किया है, जो जुरिडिक्शन उसे यूज करना चाहिए था, जो पावर उसे यूज करनी चाहिए थी नहीं की है, और जो करनी नहीं चाहिए थी वो यूज की है। तो वो क्या कह रहे हैं कि कॉल द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यहां मंगाओ, हम देखेंगे कि सही किया, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये रिवीजन है, एक नहीं है, अलग अलग है। समझ में आ गई तेरे? ठीक है, ये सबके समझ में आ गया, मिटा दूं? आज शनिवार है, लोग अपने आप छुट्टियां कर लेते हैं अपने आप, लेकिन मैं तो उस अंतिम स्टूडेंट तक पढ़ा रहा होता हूं कि जो एक ही है जो कह रहा है कि नहीं सर मेरे को बना दो, मेरे को तो बनना ही है। सिंगल भी कहे, 100 स्टूडेंट में से सिंगल स्टूडेंट ये कहे कि नहीं सर मैं बनना चाहता हूं, मुझे बना दो, तो आई एम रेडी फॉर हिम, मैं उसके अकेले के लिए तैयार हूं। आप ये नहीं जानते कि मेरे यहां काम नहीं होगा क्या, मेरी छुट्टी का मन नहीं करता होगा क्या? और आप लोगों को तो क्लास के बाद छुट्टी हो जाती है, आप अपना काम कर सकते हो, आप कहीं जा आ सकते हो, मैं नहीं जा आ सकता। आपको पता है क्लास के बाद, क्लास के बाद मेरी व्यस्तता और ज्यादा भी होती है। तो क्लास में तो चलो ठीक है, मैं तो एक प्रवचन दे रहा हूँ, लॉ का प्रवचन दे रहा हूँ, जो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मेरे दिमाग में भरा हुआ वो अंदर से ही आ रहा है, लेकिन उसके बाद तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। देखो एक और बात बताऊं, सिलेक्शन के लिए आपको मेरे से भी होशियार बनना पड़ेगा, आपको मेरे से भी ज्यादा चीजें पक्की याद करनी पड़ेंगी। मैं तो लाइट में भी ले लेता हूँ, चलो ठीक है मेरे को नहीं आता, चलो बेरख देख लेता हूँ, आप नहीं देख सकते वहां। जो खिलाड़ी ओलंपिक में दौड़ने जा रहा होता है तो जो उसका गुरु है, गुरु से ज्यादा शक्ति रखता है या गुरु के बराबर रखता है? गुरु से कई गुना शक्ति, मतलब ये मान के चलो डबल तो होती है उसके पास शक्ति, गुरु के पास अनुभव होता है। गुरु
गुरु जिनमें जितनी शक्ति है, अन्यथा गुरु के पास अनुभव भी है वही दौड़ लेता, पर वो अभी पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी अब उस रूप में घट गई है। तो मैं अपने सारे विद्यार्थियों से कहता हूं कि तुम्हें मेरे से भी ज्यादा होशियार बनना पड़ेगा, और उनका कुछ ये आपके में कम आ रहा है नेट, यहाँ तो सही आ रहा है। मेरा बहुत फास्ट मतलब 5G है, मेरा स्लो हो ही नहीं लगता। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 है, वो 2, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम अभी। देखो इसमें क्या है कि जहां तक कोर्स का सवाल है ना, कि कौन कौन सी कोर्स हैं, कौन कौन सी कोर्स हैं, तो ये मैंने एक दिन पहले बता दिया था, फिर भी इसको रिपीट कर, अब तो सेक्शन वाइज चल रहे हैं। अभी आप नोट्स निकाल लो, केवल नोट्स। सबसे पहले हेडलाइन, आप सबसे पहले जैसे सेक्शन 6 दे रखा है, जैसे यहां पर कोर्स के, जिन कोर्स को तो आप जानते ही हो, जो जो कोर्स इसमें दे रखी हैं, क्या किया है उन्होंने कि ये कहता है अदर देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो है ही सही, तो नीचे सबसे ऊपर देखें यहां पे तो कोर्ट ऑफ सेशन है, दूसरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और तीसरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सेकंड क्लास, और चौथी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इनको कोई भूलोगे क्या? किसमें कुछ ऐसा है जिसे याद करना चाहिए, या याद हो गया सेक्शन 6? मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा है जिसको एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स होती हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा था एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स क्या करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती हैं, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, है ना? ये हमारे यहाँ राजस्थान में तो है नहीं, फिर भी जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं, इनके संबंध में कितनी सजा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकते हैं, ये मैं चर्चा कर चुका हूं पुराने लेक्चर्स में। और कोर्ट ऑफ सेशन, इसकी भी चर्चा कर चुका हूं। अब एक सेक्शन 7 है, लिखा है टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन को ऐसे समझो कि पूरा जैसे राजस्थान है, अभी 35 सेशन खंडों में डिवाइडेड है। कितने सेशन खंड है? 35, 35 सेशन डिवीजन्स हैं।
अभी और बढ़ जाएंगे, नए जिले बने हैं तो उसमें डिवीजन और हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो 50 है, अभी 50 जिले हो गए राजस्थान में, तो 50 सेशन डिवीजन हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे जयपुर में ही 3 सेशन डिवीजन हो गए, जयपुर में 3 कर दिए, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और मेट्रो 1 मेट्रो 2 कर दिया, क्योंकि शहर बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे सेशन डिवीजन डिवाइड कर देते हैं। तो सेशन डिवीजन का मतलब क्या है, एरिया फिक्स कर देते हैं, इस एरिया के मामलों को आप सुनेंगे। देखो जैसे क्या होता है कि हर एक इंसान का सरकार ने काम फिक्स किया हुआ है। जैसे आप देखो कुछ कोर्ट्स ऐसी होती है उनमें कोई काम ही नहीं है, जज साहब आ रहे हैं बैठ के चले जा रहे हैं, फाइल ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कोर्ट में जा रहे काम का तो काम ही नहीं है, जब हमारे में आ जाए तो तुम मेरे करवा देना, ये सिस्टम नहीं चलता कोर्ट, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता किसमें ज्यादा काम है, चल पड़ोसी वाला मेरा दोस्त है तू भी आ जा और दबा दो, दो जज लग रहे हैं एक ही कोर्ट में और फास्ट कर रहे हैं काम, ऐसे करते हैं क्या ना। इसका मतलब क्या समझ में आया, काम फिक्स है, काम क्या है फिक्स है, इतने एरिया भर का काम करोगे। तो ऐसे ही डिवाइड क्या हुआ है, खंड बना रखे हैं पूरे राजस्थान में, उनमें ही काम करना होता है। अभी आप देखते हो ना, जैसे नए इंस्टीट्यूट में जो काम करने वाले लोग हैं उनके सबके काम डिवाइड, आप देखते हो पानी रखने वाला एक ही आदमी आता है, उसका काम ही है पानी रखेगा, चाय बनाएगा या कुछ, उसके 5-7 काम फिक्स कर रखे हैं, ये तुम्हें काम करने। एक सफाई वाला है तो वो अलग करेगा। ऐसे ही यहाँ कोर्ट्स का है तो वो डिवीजन इस तरह बनाया हुआ है सारा, और ये बनाया किस लिए है, काम के हिसाब। अब देखो एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कम है किसी कोर्ट में काम कम है, जैसे नकली नोट है, तो नकली नोट के नोट कभी चलाए होंगे लोगों ने, अभी तो डरते हैं, धीमे धीमे कानून की वो हो रही है यार, इसमें जमानत नहीं होती है, ऐसे है वैसे है, तो बहुत लोग नकली नोट वाले नहीं होते, लेकिन फिर नकली नोट के मामले आते हैं। तो पूरे राजस्थान के नकली का सुनवाई करने के लिए एक नोट बना रखी है। अब वो नकली नोट चाहे 12 में पकड़े जाए, चाहे गंगानगर में पकड़े जाए, चाहे जैसलमेर में पकड़े जाए, चाहे बाड़मेर में पकड़े जाए, चाहे बांसवाड़ा में पकड़े जाए, चाहे बनाने वाला पकड़ा जाए, करेंसी नोट और इनसे संबंधित मामले हैं, तो वो सारे के सारे कहां आएंगे, जयपुर। अब जैसे एक कोर्ट है, वो कोर्ट जैसे जो प्रिंटिंग में गड़बड़ करते हैं, जैसे स्टाम्प बना लिए या एम्बेजलमेंट कर लिया, एम्बेजलमेंट मतलब है? हिंदी में क्या चीज कहें, हिंदी में क्या कहेंगे एम्बेजलमेंट को, नहीं है लेके भागने का नहीं है, जैसे कहते हैं ना गबन, यस मैं बहुत देर से वो शब्द नहीं आ रहा था, गबन एम्बेजलमेंट या गबन। गबन क्या है भाई, आपको कुछ पैसा दिया और आप मालिक बनाए उस पैसे को, आप ही लेके भाग गए। जैसे कैशियर है, कैशियर में बहुत पैसे होते हैं, कैशियर ने सोचा यार रोजाना की नौकरी करने से और इससे क्या लेना देना है, हर रोज अपने तो लेट सेट चलेंगे, कैसे ना कैसे इसमें से 1 करोड़ रुपया रोज ले जाएंगे, और यार रोजाना नहीं ले जाएंगे, एक दिन ले जाते हैं खत्म हुई बात, रोजाना नौकरी करने आओ परेशान हो, लेकिन करे तो वो कौन सा केस हो जाएगा, एम्बेजलमेंट। तो एम्बेजलमेंट के लिए एक ही कोर्ट बना रखी है, बहुत सारी कोर्ट्स नहीं है, तो जो एक ही कोर्ट्स, जैसे
दंगों के लिए अजमेर में कोर्ट बना दी, तो चाहे जयपुर में हो चाहे कहीं हो, तो सारे दंगे के केस वहां जाएंगे। तो क्या समझ में आया, पूरे राजस्थान को एक ही सेशन डिवीजन बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब इसमें कोई ना तो याद करने की आवश्यकता है, आपके क्या समझ में आया कि पूरे राज्य को भी एक सेशन डिवीजन बनाया जा सकता है और पूरे राज्य के अलग अलग सेशन डिवीजनों में बांटा जा सकता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8, कौन सा सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में आप देखोगे कि धीमे 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 क्या हो रहा है कि शहरों में सुविधाएं ज्यादा हैं, शहरों में सुविधाएं ज्यादा है, तो जब भी गांव का आदमी आता है तो वो देखता है कि यार इनके पास तो बिजली भी है, गांव में तो नियमित समय पर आती है नहीं आती है, गांव जाते हैं रोड टूटे फूटे हैं, शहर में तो सही है, पानी भी सही तरीके से आ जाता है। तो धीमे धीमे गांव के लोग क्या कर रहे हैं, शहरों में माइग्रेट हो रहे हैं और नगरीकरण बढ़ रहा है, शहरों में लोग ज्यादा आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो यदि पूरी जनता शहरों में इकट्ठी हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, वहां की सुनवाइयों के लिए आपको स्ट्रक्चर अलग बनाना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर तो हो गया शहरों के लिए और एक स्ट्रक्चर हो गया गांव के लिए। तो इसी व्यवस्था में सेक्शन 8 में यह कहा कि भाई मेट्रो बना लो, तो किसी सिटी को मेट्रो सिटी घोषित कर दिया, तो ये काम कौन कर सकता है, स्टेट की गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन कब करती है, जब आपकी कम से कम 10 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए। जब 10 लाख की पॉपुलेशन हो गई आपके, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, लेकिन 10 लाख या उससे ज्यादा, 10 लाख या उससे 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन हो जाती है तब करती है, मेट्रो घोषित करती है। लेकिन जहां 10 लाख हो सकता है 10 लाख से ज्यादा और शहरों में भी हो, लेकिन जरूरी नहीं सबको मेट्रो घोषित करे, सबको मेट्रो। तो राजस्थान में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, अर्थात महानगर, कौन से नगर, महानगर। मेट्रो, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा वैसे इंटरव्यू के लिए, मैंने कहा मेट्रो सिटी कौन से किसको बोलते हैं, किसा जहां मेट्रो रेल चलती है। अरे भाई, रेल का नाम मेट्रो रख दिया है, मेट्रो सिटीज में चला ही उन्होंने, इसलिए मेट्रो रेल से कोई लेना देना नहीं है, उसके दिमाग में क्या है, जब मेट्रो चलती है सर, जैसे दिल्ली मेट्रो चलती है तो दिल्ली मेट्रो। मैंने कहा और कहाँ चलती है सर, जयपुर में चलती है, जयपुर भी है। मैंने कहा और कहाँ चलती है, लखनऊ में चलती है सर, लखनऊ भी है। अच्छा, बात तो सही बता रहा था वो कि मेट्रो चल रही है, एक रेल को मेट्रो बोलने लग गए, उस रेल को मेट्रो बोलने लग गए। चूंकि विदेशों में मेट्रो उन्हीं रेल ऐसी रेल वहीं चलाई गई जहां बड़े नगर थे, महानगर है, होने को यहां भी है। मैंने कहा जोधपुर में तो नहीं चलती, बोले हाँ सर जोधपुर में नहीं चलती, ये क्या चक्कर है। अरे मैंने कहा चक्कर तुम्हारा, तुम रेल से शहर को बना रहे हो, रेल शहर की आवश्यकता के लिए बनाई गई है, बहुत सारे ऐसे मेट्रो सिटी हैं जहां नहीं चलती है। हाँ जोधपुर और भी होंगे, हमें पता नहीं है पूरे शहरों के बारे में, तो देश भर में और भी ऐसे शहर होंगे जिनमें मेट्रो नहीं चलती होगी। तो समझ में आ गया, ऐसे ही सेक्शन 9, अभी सेशन न्यायालय में अब जैसे सेक्शन 9 में
कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन न्यायालय दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक तो इसमें सेशन जज होगा, और उसके सहयोग के लिए एडिशनल सेशन जजेस होंगे। एडिशनल सेशन जज होंगे और इसके अलावा असिस्टेंट सेशन जज भी हो सकते हैं। हमारे यहां राजस्थान में नहीं है। कौन से वाले? असिस्टेंट सेशन जजेस हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इन सब की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट। कोर्ट के अधीनस्थ ही होते हैं। अपील न्यायालय है ये, तो सेशन जज खुद सारे मामले को सुन सकता है। या दूसरी, पूरे के पूरे स्टेट को एक सेशन डिवीजन बनाया जा सकता है, जैसा कि हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था, पूरा सेशन सेशन जज का मतलब जिला जज नहीं है, जिला जज नहीं है, क्योंकि सेशन जज पूरे पूरे स्टेट का एक हो सकता है, जिला जज पूरे स्टेट का नहीं हुआ। तो फिर जिला जज से क्या अंतर है, डिस्ट्रिक्ट जज से क्या मतलब है? देखो, डिस्ट्रिक्ट जज एक आपने डिस्ट्रिक्ट की सीमा बना रखी है, उस जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश। उस जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज। फिर सेशन जज में और डिस्ट्रिक्ट जज में क्या अंतर है? लिखा तो यही आता है, लिखा यही आता है, जैसे जो टॉप लेवल पे है वो डिस्ट्रिक्ट का सिविल मामलों का और सेशन मामलों का, सेशन मामले मतलब क्रिमिनल मामले, सेशन मामले सिविल नहीं होते, क्रिमिनल ही होते हैं, तो सिविल मामलों का दोनों को कर रहा है, दोनों को कर रहा है। हाँ, एक ही कोर्ट क्या करती है, अपना टाइम डिवाइड कर लेती है। जैसे एक मजिस्ट्रेट, आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो आपकी डेजिग्नेशन लेट आ रही है, आपकी डेजिग्नेशन लिखी जाएगी, आपका नाम और नीचे लिखा जाएगा एक्स वाई जेड न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या लिखा जाएगा? सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो एक तरह से दो पद हो गए आपके पास, कौन कौन से? सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिविल के भी केस आएंगे, जो सिविल के छोटे मामले हैं वो भी आएंगे, और आपके पास कौन से आएंगे? जुडिशियल, ये क्रिमिनल वाले भी आएंगे। लेकिन आपको लगाया स्पेशल कोर्ट में, कौन सी कोर्ट में? स्पेशल कोर्ट में, तब आपकी डेजिग्नेशन लिखी जाएगी। मान लो आपको एनआई कोर्ट में लगा दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोर्ट जो है, एनआई एक्ट के जो केस हैं उनमें लगा दिया, चेक डिसओनर वाले, तो एनआई कोर्ट में लगा दिया, तो आप सिर्फ मजिस्ट्रेट हैं। क्या हैं? तब आपके पास सिविल के केस नहीं आएंगे। कैसे कैसे आएंगे? केवल मजिस्ट्रेट वाले, वो एनआई एक्ट के, तो उन्हें कोर्ट्स को बोलते हैं कि भाई एनआई नंबर 10, 11, 12 जो भी कोर्ट्स के नंबर हैं, बाकी ऐसे ही जैसे आप देखते हो ना पॉक्सो की, जयपुर में 4 कोर्ट हैं, पॉक्सो कितनी कोर्ट है? 4 है जयपुर में। अब पॉक्सो की 4 हैं, तो पॉक्सो में कौन बैठा है? सेशन जज।
पॉक्सो की पावर किनके पास है? सेशन जज के पास। लेकिन उस कोर्ट में सिविल वाले मामले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे क्योंकि वो स्पेशल कोर्ट है। कैसी कोर्ट है? तो वहां सिर्फ सेशन जज लगेगा। देखो जज के बराबर ही है, नहीं है वो जज नहीं है, जिला जज हमेशा इसमें आएगा, इसमें आएगा तो उनकी कोर्ट की जो उनकी मोहर ऐसे नहीं आएगी, सेशन जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज ऐसे नहीं आएगी। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर काम करने वाले या सिविल जज के तौर पर काम करने वाले उन लोगों की ऐसी डेजिग्नेशन आएगी। तो स्पेशल कोर्ट में लगा हुआ है तो उसका नाम क्या आएगा? सेशन जज। ऐसे मान लो एनडीपीएस कोर्ट में लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है? एनडीपीएस कोर्ट में भी सेशन जज ही लगता है, लेकिन सिविल के मामले नहीं आएंगे वहां। कौन से आएंगे? एनडीपीएस एक्ट के वायोलेशन वाले मामले। तो वहां कौन काम कर रहा होगा? सेशन जज। समझ में आया सेशन जज? ये समझने समझने मात्र का है सारा। तो सेशन जज, असिस्टेंट जज, एडिशनल सेशन जज, सेशन जज। एक होता है सेक्शन 10 में एडिशनल वो असिस्टेंट सेशन जज। सेक्शन 10 में क्या है? मैंने आपको बताया था ये है नहीं। देखो नीचे से चलो आप, तो अभी आपने देखा था मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में एसीजेएम, सीजेएम, एसीजेएम, सारे मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सारे आते हैं, सब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। फिर असिस्टेंट सेशन जज, फिर एडिशनल सेशन जज। असिस्टेंट मतलब सहायक, असिस्टेंट शब्द का मतलब क्या है? ये तो सहायक, और अतिरिक्त का मतलब क्या है? एडिशनल का ये अतिरिक्त बोलते हैं, एडिशनल। और ये दोनों में अंतर है, एडिशनल का मतलब उसके ही बराबर का, उसके ही बराबर का, किसी भी चीज में छोटा बड़ा नहीं। और असिस्टेंट में वो सहायक है, वो छोटा है। अब जैसे सेशन जज और इनकी मैंने ये भी बताई थी कि जैसे अतिरिक्त और सेशन जज सेशन जज की पावर और एडिशनल सेशन जज की पावर, इन दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि सेशन जज जिन मामलों को उसको हैंडओवर करता है कि भाई इस केस की फाइल आप सुनो, इसकी आप सुनो, जैसे 7-8 कोर्ट है तो एक आदमी को हेड बनाया हुआ है। हेड क्या करता है? मॉनिटरिंग भी करता है। क्या करता है? तो मॉनिटरिंग करता है। तो जैसे मान लो आज 10 फाइल आई, तो मान लो उसने एक अपने लिए रख ली, 9 अपने सबॉर्डिनेट, वो अपने साथियों को, एक तरह से उन्हें क्या कह सकते हो? ब्रदर जज कह सकते हो, क्योंकि दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल हैव इक्वल पावर्स। अलग अलग पावर नहीं है। जैसे फांसी की सजा क्या देने का राइट सेशन जज को है, ऐसी फांसी की सजा देने का राइट एडिशनल सेशन जज को बराबर है। लेकिन जहां असिस्टेंट की बात आती है, उसको सिर्फ 10 साल का है, वो सहायक है,
अतिरिक्त का मतलब होता है मेरे अलावा ये भी अतिरिक्त, असिस्टेंट का मतलब ये मेरा सहायक है छोटा। तो जो सजा सेशन जज को होती है पावर, वही एडिशनल सेशन जज को होती है, बराबर है। तो देखो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में देखा जाए तो मजिस्ट्रेट कौन कौन से हैं, जैसे आप बनोगे जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो ये फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, और इनका जो प्रमोशन होते हैं ना तो इसका प्रमोशन एसीजेएम और इसका भी सीजेएम। अब यदि मेट्रो में है तो ये सब ये हो गए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और ये एसीजेएम और सीएम सीजेएम एसीएमएम और सीएमएम, महानगर मुख्य महानगर में मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट। एडिशनल शब्द में मैं पहले ही समझा चुका, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया, अब इनकी जो पावर्स हैं, इनकी जो पावर्स हैं, अब जैसे एसीजेएम और सीजेएम, इन दोनों की पावर क्या है, इक्वल है, इक्वल पावर है। 7 वर्ष तक का पनिशमेंट दे सकता है और अनलिमिटेड फाइन, कितना फाइन, अनलिमिटेड फाइन। एसीजेएम सीजेएम मतलब बोथ हैव द इक्वल पावर्स, ठीक, लेकिन 14 साल तक की सजा, कितने साल तक की, 14 इयर्स कब दे सकता है, जब मोर हेड्स चार्जेस हो, कितने मोर हेड्स चार्जेस हो, जैसे बहुत सारे चार्ज लगा रखे हैं, जैसे 325 भी लगा रखा है, ऐसे सेक्शंस लगा रखे हैं, है ना। तो दीज आर मोर हेड्स चार्जेस, कौन से हैं ये मोर हेड्स चार्जेस। अब मान लो इसमें वैसे तो 3 साल की सजा है, इसमें उसने 2 साल की सजा दी, इसमें उसने 3 साल की सजा दे दी, इसमें इसने 2 साल की सजा दे दी, इसमें इसने 3 साल की सजा दी, कितनी सजा हो गई, 10 साल की। तो जब मोर हेड चार्जेस होंगे तो ये सजा कितनी जा सकती है, 14 तक जा सकती है। वैसे कितनी है, ओनली 7 इयर्स, कितनी 7 इयर्स। अब बात आती है ये जेएम्स की स्थिति क्या है, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास भी लिखा हुआ है, ठीक। तो जो फर्स्ट क्लास है सारे फर्स्ट क्लास हैं, ऑल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर कॉल्ड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सारे, लेकिन सिवाय सेकंड क्लास को छोड़कर, सेकंड क्लास को छोड़कर जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, चाहे वो एसीजेएम है चाहे सीजेएम है, सब कौन है, फर्स्ट क्लास। अब बात आती है कि जो जेएम है वो कितनी सजा दे सकता है, 3 इयर्स और प्लस 10,000 तक का फाइन, कितने साल कितने दिन का फाइन, 10,000 का, और 3 इयर्स तक की सजा दे सकता है, कब, जब सिंगल हेड चार्ज हो। लेकिन जहां डबल हेड चार्ज हो तो यही सजा कहां पे जा सकती है, डबल मतलब 6 इयर्स तक जा सकती है, जैसे यहां जग गई थी, लेकिन फाइन डबल नहीं होगा, फाइन डबल नहीं होगा, समझ में आ गया, इसमें फाइन डबल नहीं होगा। हाँ मान लो ये लिख दिया कि फाइन के, फाइन नहीं देने पर एडिशनल, फाइन नहीं देने पर एडिशनल 3 मंथ्स और भुगतना है, तो जब 3 मंथ्स और भुगतना है तो ये 6 ईयर प्लस 3 मंथ हो जाएगा, समझ में, 6 ईयर प्लस 3 मंथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट सेक्शन पर चले।
ये देखो लिखने की बातें नहीं है, इट मस्ट बी रिटन इन योर माइंड, आपके दिमाग में ही लिखनी है ये बात, ये तो रहनी चाहिए। ये तो अब वो बातें पढ़ रहे हैं जो हमेशा सबको याद होनी चाहिए। हम वी आर जस्ट रिवाइजिंग दीज फैक्ट्स, ये तो हमें सबको याद होते ही हैं। नेक्स्ट सेक्शन 11 के बाद अब नोट्स में देखते जाना। अब देखो यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको इसी में एक साथ ही आगे सारे सेक्शंस, आगे का सारे सेक्शंस ले लेता हूं, मजिस्ट्रेट्स वाले सारे सेक्शन ले रहा हूं। अब जहां अभी सेक्शन 8 में अपने डिस्कस किया तो जो मेट्रो सिटी है तो ये क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब प्रश्न आता है कि क्या इसमें कुछ ऐसा हुआ कि इसकी पावर्स में कोई चेंज आया क्या। देखो ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, अभी पावर्स में चेंज क्या आया, पहला चेंज तो ये है कि दीज मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो सीजेएम है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कहलाएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो एसीजेएम है वो कहलाएगा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सबके दिमाग में सही आ गया, तो मेट्रो हो गया। अब अंतर क्या है, देखो आपको ध्यान आ रहा है सेक्शन 376 पढ़ा था हमने, अपील पढ़ी थी ना 376 पेटी केसेस। तो उस केसेस में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 मंथ्स की, कितने दिन का, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का तक की सजा की है, इसके पास वही सजा की स्थिति है, कौन सी, जो कोर्ट ऑफ सेशन की थी, कोर्ट ऑफ सेशन की थी, तो कोर्ट ऑफ सेशन ने यह 3 महीने की सजा और 200 का जुर्माना दिया है तो हिज डिसीजन इज नॉट अपीलेबल डिसीजन, वो अपील नहीं होगी उसकी। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जब चला जाता है ना तो सेम स्थिति ये हो जाएगी, एक तरह से यहां पर जो मिनिमम सजा है मजिस्ट्रेट की अदर अदर सिटी में कहीं लगा हुआ है तो 100 रुपीज का फाइन कर दिया है तो अपील उसकी नहीं होगी, लेकिन 101 रुपए का भी फाइन किया है तो हिज डिसीजन शैल बी अपीलेबल। अंतर आ गया, ये अंतर। बाकी और मिनिमम सजा में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सबके समझ में आ गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में इसमें क्या अंतर है। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, यहां लग रहे होंगे मेट्रो में लग रहे होंगे तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, टोंक में लग रहे होंगे तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब एक होता है स्पेशल मजिस्ट्रेट, अभी बताया था मैंने, तो जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, कौन सी कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं। विच कोर्ट्स आर स्पेशल कोर्ट्स, जैसे मैंने अभी एक बात बताई थी एनआई एक्ट की कोर्ट है, कौन सी है, एनआई एक्ट की कोर्ट है। ऐसे ही जैसे सीबीआई में कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं तो दीज मजिस्ट्रेट्स आर कॉल्ड स्पेशल मजिस्ट्रेट। कौन से मजिस्ट्रेट हैं ये, स्पेशल मजिस्ट्रेट में क्या कोई सजा देने के पावर में चेंज आता है, नथिंग, कुछ नहीं आता। जो मजिस्ट्रेट सीबीआई कोर्ट्स के मामले सुनना है, कौन से, अब मान लो सीबीआई के इतने ज्यादा मामले आने लगे हैं तो सीबीआई कोर्ट्स के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट लगाया जा सकता है और वो सीबीआई के केसेस को सुनेगा। इसकी पावर में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इफ देयर इज वन हेड चार्ज ही मे प्रोनाउंस ओनली 3 years पनिशमेंट एंड 10,000 फाइन, लेकिन देर आर मोर हेड चार्जेस, वही डबल हो जाएगी, डबल तक सजा हो सकती है। ये सबके समझ में आ गए। अब देखो मैंने कई सेक्शंस को ले लिया, आगे तक ले लिए सारे, इसमें सेक्शन, अब तीसरा
ये मैंने आपको 19 तक ले लिया, ये सारा ही सेक्शन 19 तक ले लिया पूरा। अब देखो जो जो मेट्रो में स्पेशल मजिस्ट्रेट लगा हुआ है तो वो कहलाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट मतलब एनआई कोर्ट, जैसे 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 केसेस जितने आते हैं अभी नाउ डेज केसेस ऑफ एनआई कोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, तो उन कोर्ट्स में इतने मामले आ रहे हैं तो वो सुन ही नहीं सकते, तो क्या कर दिया बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मेट्रो वन में शायद 15 कोर्ट हैं, कितनी एनआई 1 2 3 4 5, तो ये कौन है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही हैं, लेकिन इनके साथ में लगा हुआ एनआई 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है एनआई कोर्ट, ठीक है। तो मेट्रो वन में या मेट्रो दो है, मेट्रो वन मेट्रो टू, तो मेट्रो वन में ही कितनी कोर्ट है, करीब 15 कोर्ट है। मुझे तो इसलिए पता है मेरे कई कोर्ट्स में, कोई 10 में, कोई 12 में, कोई 15 में स्टूडेंट राजस्थली के स्टूडेंट लगे हुए थे। अब देखो यहां तक का आपको सब स्ट्रक्चर सबके समझ में आ गया, यू आर टू जस्ट रिवाइज इन योर नोट्स, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं जी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और ऑफेंस होने से रोकना है, ऑफेंस होने से रोकना है। ये जो मजिस्ट्रेट है ये क्या कर रहे थे, ऑफेंस हो चुका है उसके बाद पनिश कर रहे थे, ये क्या करते हैं ऑफेंस होने से पहले ही रोकते हैं, तो प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। कौन सा एक्शन लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन। और ये कौन से हैं, एक्शन हैज बीन इलीगल एक्शन हैज बीन टेकन और ओमिशन हैज बीन टेकन सो दे आर पनिशिंग देम, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों की एग्जाम अलग अलग होती है। जो लोग आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं या आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे सेलेक्टेड स्टूडेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और आप लोग दे रहे हो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जहां जहां पूरी सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ है इट मीन्स ही इज मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जहां जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ तो एग्जीक्यूटिव शब्द लिखा हुआ है सीआरपीसी में, बिना उसके नहीं मिलेगा। तो इनका काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या अपराध होने से पहले रोकना। तो ये जो मजिस्ट्रेट हैं, इन मजिस्ट्रेटों में कौन कौन है, एसडीएम एडीएम और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम। देखो इनकी पावर बराबर है, ये दीज आर जस्ट लाइक एसीजेएम और सीजेएम। ये कौन है, ये इसका सबॉर्डिनेट है, ये ऐसी स्थिति है जैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अर्थात जेएम और सीजेएम एसीजेएम। ये सजा देने की इनकी स्थिति नहीं है, लेकिन इनके पास जो पावर है जैसे 107 से लेकर 124 तक के सेक्शंस में, 124 तक के सेक्शंस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में कीपिंग पीस के लिए जो पावर्स की यूज करने हैं, वो पावर इक्वली एसडीएम में अप्लाई, एडीएम में अप्लाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अप्लाई, बराबर है इनमें, क्योंकि सजा तो देते नहीं है ये तो क्या करते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक महीने की मांग सकेगा या दो महीने की मांग सकेगा, ऐसा नहीं है, इनके पास इक्वल पावर है, इनके पास क्या है, इक्वल पावर, ठीक है। एक सेक्शन है, मैंने पहले आपको पहले बताया था सेक्शन 20(5) 20 क्लॉज 5, ये मैं पहले भी बता चुका हूं,
20 क्लॉज 5, ये नोट्स में हो सकता है ना भी हो, या लिख रहा है तो ठीक है, वो है क्या है? हाँ नहीं है ना, तो ये आप लिख लेना, लिख लेना। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जयपुर, जयपुर को मेट्रो घोषित किया गया, जोधपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया गया, ठीक। तो एक चीज बताई थी कि जो पावर इनके पास थी, कौन सी? सिक्योरिटी मांगने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, कीपिंग पीस की, ये जो पावर थी ना, ये पावर यहां से 20-5 ने पुलिस को दे दी। किसको दे दी? और उससे कमिश्नरेट सिस्टम आ गया। कौन सा सिस्टम? कमिश्नरेट। कमिश्नरेट सिस्टम क्या है कि जो पुलिस का कमिश्नर है, अब चाहे जयपुर में हो चाहे जोधपुर में हो, तो वहां क्या लग रहा है? पुलिस कमिश्नर, जो सीनियर सीनियर लेवल का आईपीएस ऑफिसर है, ही शैल बी अपॉइंटेड एज ए पुलिस कमिश्नर। क्यों? क्योंकि वहां पर एसपी नहीं लगेगा, वहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस लगे। अब उसके पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो प्रिवेंटिव ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे इनकी जो पावर हैं, किनकी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर 20-5 ने किसको दे दी? पुलिस को दे दी। अब पुलिस को जो पावर दे दी, तो वहां पर आपने देखा ना, जयपुर में आप जाओगे सब ये ही इज डीसीपी, एसीपी, सीपी, तो ये शब्द कहां से आए? ये आए सेक्शन 20 क्लॉज 5। नॉट सो इंपॉर्टेंट कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही जैसे ये है ना, ये जैसे है, ऐसे ही क्या होता है, ये जो मजिस्ट्रेट हैं, कौन से? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इनमें एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करते हैं जी, इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि कभी कभी स्पेशल ऑकेजन्स होते हैं। स्पेशल ऑकेजन्स क्या है? जैसे इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन के टाइम पर जिस दिन इलेक्शन हो रहा है, या इलेक्शन से पहले जो तैयारियां चल रही हैं, उनमें बहुत सारे मजिस्ट्रेट्स की जरूरत पड़ रही है, लेकिन रेगुलर बेस पर उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो गजेटेड ऑफिसर्स किसी और डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी हैं, जो एसडीएम है, एडीएम है, डीएम है, वो तो है ही सही, और डिपार्टमेंट में गजेटेड ऑफिसर्स लगे हुए हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट की पावर देकर उनसे वो काम करवाए जा सकते हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट ही करेगा। तो जिस दिन मान लो कहीं मेला लग रहा है, कहीं भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो आप देखोगे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको उनकी जीप पर। तो उस समय वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास वही पावर है जो एसडीएम के पास है, डीएम के पास है। अब पता लगा है वो तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है। कौन सा अफसर है? डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मान लो कहीं मेला लगा हुआ है, अब मेला लगा हुआ है वहां तो लोग कम ही है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं उनकी बैठक बुलाई, बोले हमारे पास कितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं? उन्होंने कहा हमारे पास तो 5 हैं। तो भाई मेले के लिए 5 से काम नहीं चलेगा, हमने कहा हमारे पास तो 20 लोग होने चाहिए, 15 कहां से लाएं, और ये मेला 4-5 दिन चलेगा। तो एक काम करते हैं कि भाई तुम्हारा जो एग्रीकल्चर का काम है ना, एग्रीकल्चर अफसरों से कहा 2 एग्रीकल्चर अफसर इसमें काम करेंगे, एक एक्साइज का करेगा, एक फलां का करेगा, एक दूसरे डिपार्टमेंट का करेगा, ऐसे करके 15 लोगों को कि तुम्हें मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें क्या है, सरकार को बोलना पड़ेगा, सर हमें इतने मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ रही है, बताना पड़ेगा हर बात को कि सर हमें इतने मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, मेला का मामला है, और इन इन लोगों की लिस्ट है,
तो वो सीधे सीधे कहां चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उसको अपने स्पेशल ऑर्डर से उन सबको मजिस्ट्रेट बना देगी, उनके पास जीप और वो सारी व्यवस्थाएं उतने दिन के लिए, जितने दिन के लिए वो मजिस्ट्रेट हैं, वो सारी की सारी, और उनके उनके द्वारा जो भी एक्शन लिए जाएंगे, इट शैल बी डीम्ड कि वो मजिस्ट्रेट नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं लिया है, ऐसा समझा जाएगा। सबके समझ में आ गई ये बात। अब ये नहीं कहा जाएगा कि साहब ये तो एग्रीकल्चर का अफसर था, ये तो पेड़ पौधे का काम करता है और इसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी मांग ली और नहीं दी तो इसने जेल भेज दिया हमें, ये तो एग्रीकल्चर का था। अरे भाई उस समय वो एग्रीकल्चर का नहीं रहा, उसके पास वो सारी पावर है जो एक स्पेशल वो जो मजिस्ट्रेट की होती है। ठीक। अब देखो मैंने आपको सेक्शन 23 तक के पूरे सेक्शंस, अब आप एक एक हेडलाइन देख लो, मैंने सब पढ़ा दिया। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्शन 6 to 23 में आस्क, कुछ भी आपको लगता है कि ये इसमें ऐसी चीज है, ये आपको सिर्फ जस्ट आइडिया होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है, आरजेएस के अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखो आरजेएस, आरजेएस ही नहीं, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑल ऑफिसर्स वेदर ही इज डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ओनली। तो गवर्नर ही अपॉइंट करेगा। ठीक। फिर ये अपॉइंटमेंट तो गवर्नर का है, राज्य सरकार का है, किसका है, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट लिस्ट बनाकर भेजेगा, What High Court is doing? Conducting your examination, selecting you. Then after, list shall be sent to the government for appointment. फिर वहां appointment होंगे। जिस दिन आपका appointment होता है, Chief Justice होते हैं, Governor आते हैं, और उस समय आप खड़े करके एक साथ ही सबको ओथ दिला देते हैं। क्या करा देते हैं? ओथ दिला देते हैं कि भाई इतने अलग अलग थोड़ी मंत्रियों की तरह दिलाएंगे 222 लोगों को, इकट्ठा ही दिला देते सबको। और 222 लोग तो बहुत होते हैं ना, स्टेट के हिसाब से तो खैर कुछ नहीं है, इतनी बड़ी स्टेट है। यहाँ के यहां तक के सेक्शंस के एक बार हेडलाइन देख लो, कौन से सेक्शन में कौन सा है, सिर्फ हेडलाइंस। आज का डीटीपी इसी पे है आगे। अरे इसी को पढ़ाया, इसी को अभी थोड़ी देर बाद 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, उनमें से आपको जो नहीं आया हो पूछो ना भाई, जैसे कितने साल की सजा करेगा या अभी तो बताया सारा। देखो थोड़ा वैसे समझने की कोशिश करो, इसी में से समझ में आ जाएंगे, फिर नोट्स को पढ़ लेना। एक सेक्शन है 24, आपने नाम सुना होगा पीपी, पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स, है ना। इसका क्या है कि जितने भी कोर्ट ऑफ सेशंस हैं और हाई कोर्ट की, मैं खास तौर से जो क्रिमिनल मामले चल रहे हैं, जिनमें क्रिमिनल का रोस्टर चल रहा है, हाई कोर्ट में जिनमें क्रिमिनल का रोस्टर चल रहा है, सभी कोर्ट्स में नहीं, उन कोर्ट्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट किया जाता है। किसको अपॉइंट किया जाता है?
पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। देखो ये आप सबको पता है कि मान लो मैं किसी में चाकू मार देता हूं तो केस जो मुकदमा दर्ज होगा वो किस नाम से होगा, स्टेट वर्सेस एमके सिंह। तो स्टेट की ओर से मामला यदि कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट का है तो उन न्यायालयों में उन कोर्ट्स में कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है तो वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसीड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन प्रोसीड कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, सेम थिंग इन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसी का नाम चेंज करके कर दिया, राजस्थान में चेंज कर दिया एपीओ, उसी का नाम कर दिया एपीओ। सीआरपीसी में चेंज नहीं हुआ, सीआरपीसी में तो वही है ना, सहायक लोक अभियोजक। लेकिन इसमें चेंज है, अभी नोटिफिकेशन करके सबको ऑफिस बना दिया, एक साथ ही बनाया, जैसे लॉ ऑफिसर्स को जूनियर लॉ ऑफिसर्स बना दिया, पहले एलए होते थे अब उनका नाम कर दिया जूनियर लॉ ऑफिसर, और एपीपी को बना दिया एपीओ। इसका भी फॉर्म आप लोगों ने भर रखा होगा, या तो इसका एग्जाम तो बड़ा लेट है। तो ये कहां प्रोसीड करते हैं मामले को, हाई कोर्ट की उन कोर्ट्स में जहां क्रिमिनल मामले चल रहे हैं, क्रिमिनल का मामला किसी कोर्ट में है, और कोर्ट ऑफ सेशन में। अब बात आती है कि इनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। देखो इनका जो अपॉइंटमेंट है सेशन कोर्ट के लिए, तो इनकी एक लिस्ट बनाता है राज्य सरकार की ओर से डीएम, कौन बना रहा है डीएम, और विद द प्योर कंसल्टेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। कि साहब ये वकील हैं इतने, इन वकीलों के नाम हम दे रहे हैं, और जितने नाम जाते हैं सेशन जज को कोई लेना देना नहीं है। सेशन जज बोले ठीक है, सरकार चाहती है हमें क्या लेना, तो उनकी एक लिस्ट बना लेता है। तो एक तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, जितने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन कुछ एपीओस को, कुछ एपीओस को भी जब एपीपी जब सीनियर हो जाता है तो इन कोर्ट्स में उनको भी लगाते हैं, खास तौर से जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं तो कहलाते हैं स्पेशल पीपी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जैसे सीबीआई की कोर्ट है, एनपीएस की कोर्ट है, एससीएसटी कोर्ट है, उन कोर्ट में सामान्य तौर पर इन लोगों को लगाया जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है भाई कौन लगाता है, क्या लगाता है। दूसरा, जो भी पीपी बनता है व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन। यदि मान लो सामान्य कोर्ट ऑफ सेशन के लिए लग रहा है तो मिनिमम उसका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का। इफ ही इज बीइंग अपॉइंटेड फॉर द कोर्ट ऑफ फॉर स्पेशल कोर्ट तब वो 10 साल का, कितने साल का, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि वो स्पेशल कोर्ट के लिए लगाया जा रहा है। और बाकी कितने कोर्ट्स में क्या है, अब उनको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो सारी की सारी जब तक वो रहते हैं तो ये अपने पद पर, जैसी सरकार आती है तो अपने जो जिस नेचर के लोग होते हैं, मान लो आप सपोर्ट करते बीजेपी को तो बीजेपी ने अपने लगा दिए और पुराने वालों ने रिजाइन कर दिया, और जैसे ही दूसरी आएगी सरकार वो चेंज कर देगी। एक तरह से दीज आर
on their office at the pleasure of chief minister or the government. तो सरकार के प्लेजर पे ही है ये, जब तक सरकार चाहती है। जैसे सरकार जाएगी, अब जितने कांग्रेस सरकार गई बीजेपी आ गई, तो बीजेपी ने अपने सारे पीपी लगा दिया। तो बीजेपी ने किनको पीपी लगाया? जो उनके यहाँ काम कर रहे थे, जो उनकी विचारधारा से संबंध रखते हैं। ये तीन चार बातें आपको इस संबंध में पूछी जाती हैं कि कौन करता है। अब जी वैसे ही लिख दिए मैंने, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इन शब्दों को समझते हो क्या? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ ऑफिसर है उसका नाम है, वो उसको बोलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मे अपीयर इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। यदि वो वहां जा रहा है, मान लो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी आ रहा है, तो ही शैल बी हर्ड फर्स्ट, उसे पहले सुनवाई का मौका मिलेगा। चाहे उसका मामला, मान लो लिस्ट बनती है, यहां भी बनती है, नीचे की कोर्ट में बनती है, तो उसका नंबर तो आ रहा है 10वें नंबर पे, आज 10 केस सुनेगा मजिस्ट्रेट, नहीं, पहले यदि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ रहा है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मामला पहले सुना जाएगा। वो भारत सरकार का प्रतिनिधि, के लीगल प्रतिनिधि है, तो वो सुना जाएगा। चाहे ये मामला हाईकोर्ट में भी हो, तो उसे किसी भी न्यायालय में पहली, तभी तो जब कोई मामला आता है तत्काल, भारत सरकार का मामला है तो वहां अटॉर्नी जनरल हो रहे हैं या उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है ना, वो जा सकता है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर आपने कोई केस किया, और केस किया राजस्थान हाईकोर्ट में, कहां किया, तो क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएगा? देखो, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनके साथ भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स भी हैं। वो सब कहां पैर भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मामले में सरकार की, भारत सरकार की। लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं, क्या हैं? हाई कोर्ट्स हैं। तो यहां केस तो आपने हाई कोर्ट में किया ना, तो हाई कोर्ट के लिए भारत सरकार की ओर से पैर भी करने के लिए हर मामले के अलग अलग लोग रखे गए। जैसे कोई डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोई एनवायरमेंटल का डिपार्टमेंट है, कोई किसी का डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट्स के, या कोई और मामले हो सकते हैं, तो उन जगहों पर वो सारे के सारे कौन है? सॉलिसिटर जनरल। कौन है वो? तो सॉलिसिटर जनरल का मतलब क्या समझ में आया? कि भारत सरकार की तरफ से हाईकोर्ट्स में उनके पक्ष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखने वाले लोग। गगन जी क्लास में हूं, 2 बजे फ्री हूंगा, 2 बजे आ जाओ। समझ में आई आपके? एक होता है एडवोकेट जनरल, है ना, ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 165 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या है? देखो, स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष को हाई कोर्ट में रखने के लिए या कहीं पर भी रखने के लिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। क्या है? सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, उसके पास ये भी पावर है कि ही मे सिट इन पार्लियामेंट बट ही कैन नॉट कास्ट द वोट। ऐसे ही एडवोकेट जनरल में सिट इन असेंबली बट कैन नॉट कास्ट हिज वोट, मत नहीं दे सकता, उसकी सीट होती है वहां। तो समझ में आ गए, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल्स। फिर एक शब्द सुना होगा डबल एजी, मैं सुना है ना, ये सब डबल एजी हैं।
एडिशनल एडवोकेट जनरल, है ना। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, एडिशनल का मतलब उसके अलावा जो, तो उन्हें अलग 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 डिपार्टमेंट्स दे देते हैं कि भाई आप इसका करो, और जो एजी है वो सारा का सारा सरकार को परामर्श देते हैं, बड़े केसेस को रखते हैं। ये है एक होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इसमें कोई कुछ भी पूछना चाहो 24 में तो पूछ सकते हो। एनीबडी हैज हिज क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपका हो तो बताओ 24 से रिलेटेड। नहीं, अपने नोट्स में 24 पढ़ लो, जस्ट पढ़ लो, रीड कर लो, अपने अपने नोट्स में पढ़ लो, और नोट्स में से जो शब्द लाए ना या कुछ भी चीज ऐसी होगी जो बात समझ में नहीं आई सर, जस्ट रीड करो एक बार। बिल्कुल, देखो क्या शुभ नाम है आपको, अरमाट, अरमान, अच्छा अरमान, अरमान तो शायद उसमें फिल्मों में भी है कोई नाम, हाँ सिंगर है ना, है वैसे मैंने सुना है, नाम सुना है मैंने। अरमान शब्द का अर्थ क्या है, ख्वाहिश। घर में कोई शिक्षक, शिक्षक है क्या, टीचर नहीं कोई। इसने अरमान ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपॉइंट कर सकती है पीपीस को। हाँ देखो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, हमारा क्या सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, गवर्नेंस का क्या सिस्टम है, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम है तो आप देख रहे हो कि यहां जो गवर्नेंस है, जैसे हम राजस्थान में बैठे तो यहां की गवर्नेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी गवर्नेंस कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है। तो अंतर क्या है, देखो सब्जेक्ट डिवाइड है, क्या क्या है, सब्जेक्ट डिवाइड है, तीन तरह के सब्जेक्ट है। एक तो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें केवल और केवल स्टेट की गवर्नमेंट को ही पावर होती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें केवल और केवल एब्सोल्यूट पावर होती है सेंटर की सरकार को, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें दोनों को पावर होती है ना। तो मान लो सीबीआई में स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो सीबीआई में मजिस्ट्रेट की भी स्पेशल कोर्ट है, ऐसे ही सेशन की भी स्पेशल कोर्ट है। तो सीबीआई के मामले सुनने के लिए जो स्पेशल कोर्ट है, तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए तो चाहे वो सीबीआई का मामला हो तो वहां पे भी एपीपी लगेगा, और चाहे चाहे सेशन कोर्ट हो तो वहां पर पीपी लगेगा। अब पीपी जो सीबीआई की कोर्ट है तो उसमें पीपी कौन अपॉइंट करेगा, वहां नहीं, वहां जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंटर के अपॉइंटमेंट होंगे, और यहां राज्य सरकार कर रही थी। तो जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, कौन सी वाली, जो जिनमें केंद्र के मामले आते हैं, जैसे सीबीआई की कोर्ट हो गई, ईडी की कोर्ट हो गई, है ना, तो उन कोर्ट्स में, या जैसे स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, जैसे इनकम टैक्स वाले मामले हो गए, जीएसटी के मामले हो गए, तो उन कोर्ट्स में वो जो कोर्ट्स बनी हुई हैं, उन कोर्ट्स में एपीपी, यदि मजिस्ट्रेट है तो एपीपी शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यदि कोर्ट ऐसी है, कौन सी, सेशन कोर्ट है, तो वहां का जो पीपी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा। समझ में आ गई दोनों के बाद, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, जैसे ईडी की कोर्ट है अब वहां सेशन जज लगा हुआ है, कौन अपॉइंट करेगा उसके पीपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, यूनियन का पावर है और यहां स्टेट की पावर है। ठीक, पढ़ लो, पढ़ने में कोई लाइन ऐसी जो लगे कि ये सर ये थोड़ी समझ में नहीं आई तो मे आस्क असिस्टेंट। ये जो
असिस्टेंट हैं, इनका क्या है कि इनमें अभी नाम चेंज कर दिया राजस्थान में एपीओ, और कई स्टेट्स में एपीओ है, एक स्टेट करती है फिर दूसरा करती है, साहब हम भी कर देते हैं, सुविधाएं बढ़ा दें, इसी को एपीओ कहेंगे। ये सारे के सारे काम कहां करते हैं, मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में। इनके अपॉइंटमेंट, जैसे उनके अपॉइंटमेंट तो आप देख रहे थे डीएम ने और सेशन जज ने की है स्टेट गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन से, यहां क्या है, यहां होंगे एग्जाम से। एग्जाम कौन लेगा, आरपीएससी, एक तरह से पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान की है इसलिए आरपीएससी, बाकी नाम क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्जाम से अपॉइंट करेगी, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट हैं ये पैरवी कहां करेंगे, मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में, इसकी कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो ये तो एक तरह से एग्जाम से भी हो रहे हैं, एग्जाम तो इसलिए लिया जा रहा है कि एक अनार सौ बीमार, एग्जाम का कारण क्या है, हर एक का एक अनार सौ बीमार। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए जो अपॉइंटमेंट होते थे डायरेक्ट वाले, वो इंटरव्यू बेस्ड थे, सेशन जज अच्छे एडवोकेट्स को बुलाता कि आप जज बनना चाह रहे हो क्या, 35 से 45 की एज वालों को, और उनका अपने दो और सेशन जजेस के साथ बैठ के इंटरव्यू ले लेता था और उनके नाम हाईकोर्ट को भेज देता था शुरुआती दौर में, जस्ट लाइक एलिवेशन। अभी ये काम हाईकोर्ट जजेस के लिए होता है और सुप्रीम कोर्ट में की कॉलेजियम को लिए भेज दिया जाता है, पहले ऐसे इनके भी होते थे। बाद में 2007 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, नहीं 2009 या 10 का होगा, 9-10 की बात, साथ में 9-10 में एक डिसीजन आया, उसमें सारे हाई कोर्ट्स के लिए कहा कि जो भी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हो डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस के, उनके लिए रूल्स बनाओ। तो उसकी वजह से 2009 में ही आया था, 2010 के राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स बने, तो उन्होंने उसके लिए रूल बनाए, इसके साथ में आरजेएस के लिए भी रूल बना दिए, एक साथ ही डाल दिया। और तो और रूल में ये और कर दिया, पहले ये होते थे आरएचजेएस राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस, ये खत्म, ये अब नहीं होती, खत्म कर दिया। अब चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबको आरजेएस ही लिखना है, सेशन जज को भी आरजेएस लिखना होता है। अब सेशन जज को भी आरजेएस लिखना होता है, जब भी जैसे ही सेशन जज आरजेएस लिखता है तो थोड़ा सा लगता है यार लिखना तो अपने को आरजेएस था, और सब जगह एचजेएस ही लिखा जाता था, लेकिन रूल्स में ये सब खत्म कर दिया। अब ये वो क्या करते हैं, आरजेएस लिखेंगे और यहां लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट जज कार्डर, ये ऐसे लिख देते हैं, आरजेएस तो आरजेएस लिखता ही है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं, बाकी ये सब यही लिखना पड़ता है। तो डेजिग्नेशन में चेंज कर दिया, सब आरजेएस कर दिया, सारे राजस्थान जुडिशियल सर्विस के ऑफिसर बना दिए। तो ये एग्जाम से आते हैं, एपीओ सारे किससे आते हैं, एग्जाम से, संस्कृति पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में काम करते हैं। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी पुलिस के इंस्पेक्टर को, कम से कम इंस्पेक्टर होना चाहिए, कौन होना चाहिए, पुलिस का इंस्पेक्टर, तो पुलिस के इंस्पेक्टर को एपीपी बना सकता है,
और किसके लिए बनाएगा? किसी स्पेशल केस के लिए। वो तब तक ही रहेगा जब तक कि वो केस तक चल रहा है। जैसे मान लो कोई बहुत इस तरह का केस है, तो बोले एपीपी नहीं, पुलिस का अधिकारी हमारा वही पक्ष रखेगा। तो लेकिन वो कम से कम होना चाहिए, पुलिस वाला भी एपीपी बनाया जा सकता है उस किसी केस स्पेशल केस के लिए, लेकिन उसकी वो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का होना जरूरी है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रैंक का तो होना ही चाहिए। अब आप अपने अपने नोट्स में से 25 पढ़ लो, जस्ट रीड इट। नहीं, वो एग्जाम से होता है, वो भी एग्जाम से होता है। एपीपी सब एग्जाम से, एपीपी सारे एग्जाम से होते हैं। जैसे सीपीआई में एपीपी की वैकेंसी आती है ना, आप सीबीआई का एग्जाम दे सकते हो। एपीपी बहुत बढ़िया पोस्ट है। पिछले बार वो मेरे स्टूडेंट है विवेक, समझ में आ गया आपके यहां तक? अब देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, सिवाय मैंने नहीं पढ़ा, सिवाय थोड़ा सा कहीं बताना है ना, तो वो बताना है सेक्शन 30 को। कौन से सेक्शन को? वैसे मैं बता चुका उसको, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए सेक्शन 30 बताना। नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ा चुका। अब आप देखो कैसे पढ़ा चुका, सुनो उनकी हेडलाइंस भी ले लेते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा। जैसे सबसे पहले नेक्स्ट सेक्शन है न्यायालयों की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट्स है ना, तो पावर ऑफ कोर्ट्स हम बता चुके। अब यहां पे जैसे सेक्शन 26 देखो आप एक बार, सेक्शन 26। अब जो सेक्शन 26 है ना, कि कौन सी कोर्ट्स के पास क्या पावर है, देखो हाई कोर्ट के लिए आपने पहले ही पढ़ा था कि हाई कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील्स इन द स्टेट। स्टेट में क्या है हाई कोर्ट? क्रिमिनल अपील का सुप्रीम कोर्ट है। एक तरह से पता है क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मामलों की अपील के लिए मना कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं अपील नहीं होती है। जैसे सीआरपीसी में आप लोगों ने पढ़ी थी, सीआरपीसी में आप लोगों ने पढ़ी थी, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नीचे से किसी मामले को मंगा लिया और उसकी सुनवाई खुद कर दी, और खुद कर दी तो फिर पनिश कर दिया, तो क्या होगा? उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी। या नीचे कोई मामला ऐसा था जो जिसमें एक्विटल हो रखा था, और एक्विटल वाले में आपने दोष सिद्ध कर दिया, और दोष सिद्ध ही नहीं किया, डेथ लाइफ इंप्रिजनमेंट की तक की सजा दे दी, तो उसकी कहां अपील हो सकेगी? सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि क्रिमिनल मामलों में कब कब आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकेंगे। जैसे एक सेक्शन, एक आर्टिकल तो मैंने आपको बताया ही था 136, तो 136 में तो वो तो सबसे बड़ा गेट है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 136, वो तो सबसे बड़ा गेट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अंडर आर्टिकल 136 किसी भी ऑर्डर की, किसकी, किसी भी ऑर्डर की, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर की, कोर्ट का ऑर्डर चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट का ही है, उसका भी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स का भी, हाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी, कोर्ट कोई भी हो, उसकी किसी का भी हो, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। किससे? विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए उसे बोलते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव है कि हम आपसे इस विशेष अनुमति मांग रहे हैं कि हमें अपील करने दो, आप अपने यहां ये मामला ऐसा है। तो एक तो वो, तो उसमें एक कोर्ट लगती है जो सिर्फ और सिर्फ यही काम करती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दे या ना दे। अनुमति देने का ही कोर्ट है एक, जो कंटिन्यू रखती है 136 में। एक 137 में भी होते हैं, ठीक है ना। एक
क्रिमिनल कोड्स को, जैसे एक सौ एक आर्टिकल है 134A का, सर्टिफिकेट दे दिया हाई कोर्ट ने, क्या सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए और इस पर डिसीजन देना चाहिए, तो सर्टिफिकेट किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे करके आप अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अन्यथा तो वो क्या कह रहा है, अन्यथा तो हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है क्रिमिनल मैटर्स के लिए। तो कुछ दीज आर एक्सेप्शंस जो मैंने 134A का सर्टिफिकेट बताया इस तरह के, उनसे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट की पावर आ गई यहां पे। दूसरी, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट विधि द्वारा स्थापित किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है, मतलब प्रोनाउंस एनी जजमेंट विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय रूल ऑफ लॉ, कोई सा दंड दे सकता है, सेशन कोर्ट के पास बहुत पावर है। सीजीएम की कोर्ट्स के पास 14 साल का तक की सजा, यदि कई केसेस हैं डबल तक की हो सकती है, अदरवाइज तो 7 साल तक की सजा, 6 साल तक की सजा, अदरवाइज 3 साल तक की सजा। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका ना, यही चीजें यहां दे रखी हैं। अब देखो ये सेक्शन 27 है ना, ये आपका अभी सिर्फ एकेडमिक्स के काम का सेक्शन है। किसके काम का? एकेडमिक्स के काम का। ये क्या कह रहा है कि जो किशोर है, कौन है? किशोर या जुवेनाइल। तो जो जुवेनाइल का मामला है, किसका मामला? तो जुवेनाइल का मामला तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा सुना जाना है। किसके द्वारा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा। तो फिर यहां क्यों लिखा हुआ है? यहां से भी डिलीट नहीं किया, यहां भी लिखा हुआ है, वहां भी लिखा हुआ है। कल जैसे आप 437 पढ़ रहे थे, ठीक है, 437, तो आपने 437 क्लॉज 1 में ये भी पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट अपील, मजिस्ट्रेट जमानत ले लेगा यदि उसकी उम्र 16 साल से कम है, या वो कोई फीमेल है, या कोई हाँ सिख है, या इनफर्म है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है? बेल ले सकता है। तो वहां पर भी आपके दिमाग में आई ये, यहां बेल, देखो देखो क्या है, व्हेनेवर स्पेशल लॉ इज एप्लीकेबल, तो स्पेशल लॉ के प्रोविजन लग जाएंगे। आपने एक लॉ पढ़ी होगी, जब आर्टिकल 13 पढ़ा होगा ना, आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ऑफ एक्लिप्स पढ़ा है? लॉ ऑफ एक्लिप्स, लॉ ऑफ एक्लिप्स का क्या मतलब है? है? छुपा देना। एक हिंदी में बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन का सिद्धांत, जैसे ही आपने देखा ना कि चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी, तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो सूरज की वो दिखता है, बाकी सूरज को एक तरह से छुपा लेता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही क्या होता है कि जब कोई नया स्पेशल एक्ट बनता है तो पुराने वाले को डिलीट नहीं करते, पुराने वाले प्रोविजन एज इट इज पड़े रहते हैं, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नया आ गया तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजन लागू रहेंगे। ये पढ़ा है तो कोई खराबी नहीं कर रहा, डिलीट क्यों मानना? मान लो कभी जुवेनाइल जस्टिस की ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसे हटाना है, तो एकदम उसी दिन ये काम करेगा ना, समझ में आ गया? हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, उसे रूल ऑफ एक्लिप्स भी बोल सकते हो आप। अब जैसे 28 है, हाई कोर्ट कौन सा दंड दे सकता है, सेशन कोर्ट कौन सा दे सकता है, ये सब मैं बता चुका हूं। मजिस्ट्रेट कौन सा दे सकता है, ये सब बता चुका मैं आपको। 30 में मेरे को क्या बताना था, 30 में बता चुका, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। बताई थी ना मैंने अभी एक बात, सेक्शन 30 में
मोर हेड चार्जेस हैं तो सजा कितनी तक चली जाएगी? जो जेएम दे रहा है वो 3 साल दे रहा था, तो ये कहां तक चली जाएगी? 6 साल तक चली जाएगी। और जुर्माना न देने पर कितनी सजा दे सकता है? जैसे मान लो जैसे चोरी का अपराध है, कौन सा है? चोरी का अपराध है, और चोरी के अपराध में सजा मैक्सिमम सजा कितनी है? 3 साल, एक तरह से 36 महीने। कितने महीने है? अब इसने 10,000 रुपये जुर्माना लगाया तो उसकी सूचना पहुंची कि सर बहुत दिक्कत कर रहा है, ये तो दे ही नहीं रहा 10,000 रुपये। बोले नहीं दे रहा, अब तुमने जेल तो भेज ही दिया, अब क्या कर लोगे भाई? दे जेल तो भेज ही दिया। तो इस जज को जैसे जेलर पहुंचाता है, सर जमा वो तो नहीं दे रहा पैसे, तो बोले कोई बात नहीं, इसकी जो सजा है 36 महीने की सजा का मैक्सिमम 1/4, कितना? एक तरह से 9 महीना। 9 महीने से ज्यादा सजा देने का राइट इसको है ही नहीं इन 10,000 के बदले है? हाँ नहीं, इसमें क्या होगा, जब 6 साल तो दे ही रहा था ना, ये सजा इसके अतिरिक्त है ना, ये सजा इसके अतिरिक्त होगी। और जब सजा इसके अतिरिक्त होगी तो ये इसका कोई वॉयलेशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितनी सजा दे सकता है? उस दंड को देने के लिए वो मैक्सिमम दे सकता था उसका 1/4, तो मैक्सिमम कितनी सजा दे सकता था? 3 साल और उसका 1/4। ये समझ में आ गया? यही बतानी थी और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सब बता दिया। ये 14 साल और 6 साल वाली बात मैंने बता रखी है, किसी भी कंडीशन में 14 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी। ये भी बताई थी कि 7 साल से अधिक की सजा होगी तो मजिस्ट्रेट की भी अपील कहां चली जाएगी? हाई कोर्ट चली जाएगी। ये चैप्टर पूर्ण हुआ। वी ऑल आर बाउंड टू हेल्प टू द मजिस्ट्रेट और पुलिस, हम सब लोग आबद्ध है। मान लो एक पुलिस वाला है और वो एक चोर के पीछे पीछे दौड़ रहा है बेचारा, और वो थक गया पीछे पीछे दौड़, चोर कह रहा है आजा आजा, अब चोर ज्यादा बलशाली, वो दौड़ता है फिर वो और तेज से भागता है। अब आप साथ आपने देखा पुलिस वाले के दौड़ के पकड़ लो ना, अरे अब तू पकड़, मैं तेरे को कह रहा हूँ, बोले तेरा नौकर लग रहा हूँ क्या, नौकरी तेरे को मिलती है, तू पकड़ ना, तो बोले अब उसको तो छोड़ मैं तेरे को पकड़ लेता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा CRPC कहती है, हम सब लोग उसकी सहायता करने के लिए आबद्ध हैं। वी ऑल आर बाउंड टू हेल्प देम, ठीक है ना, और वो अपनी सारी शक्ति लगा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, देखो क्या हुआ, ये CRPC पढ़ी ना, उसमें ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पहले ही पढ़ चुके हो। जैसे एक शब्द है वारंट। वारंट क्या है? वारंट, तो वारंट का मतलब क्या है? इट इज एन ऑर्डर, ये एक प्रकार का आदेश है कि किस बात के लिए, कोई काम करने या ना करने के लिए, तो ये आदेश है, तो किसी भी आदमी को आदेश दिया जा सकता है। तो यहां ये CRPC कहती है कि वारंट किसको इश्यू किया जा सकता है, वारंट का चैप्टर आएगा, वारंट किसी को भी इश्यू किया जा सकता है। क्या प्राइवेट आदमी को भी किया जा सकता है? प्राइवेट आदमी को भी किया जा सकता है। मान लो मेरे को कह दिया कि जाओ तुम फलां व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ, तो फिर मेरे को अरेस्ट करके लाना होगा, मैं कहूंगा मेरे को ये पास पावर है, तो क्या प्राइवेट आदमी को दी जा सकती है? यस, प्राइवेट आदमी को भी दी जा सकती है। तो मान लो प्राइवेट आदमी या किसी अन्य आदमी को वारंट दिया गया है फलां आदमी को लेकर आओ, अब वो आदमी लेने गया, अब उसने कहा कि भाई इसको पकड़, मेरे सहयोग कर इसमें, बोले नहीं कर रहा, वारंट तेरे पास है या मेरे पास है, तू अपने आप कर ले, इसका जो रिमुनरेशन तेरे को मिलेगा, कि चल ठीक है मैं लिख देता हूं, तो वहां पर भी वॉयलेशन है। हमें अन्य आदमी जिसे वारंट इश्यू हुआ है तो उसकी सहायता भी करनी है, समझ में आ गया? एक 39 है, सेक्शन 39, पता है, हम सिर्फ हेल्प करने के लिए नहीं, वी ऑल आर बाउंड टू इन्फॉर्म कि ये अपराध हो रहा है, होने वाला है, उन सब की सूचना मजिस्ट्रेट को या पुलिस को देने के लिए भी हम बाउंड हैं। तो ये 3 ही सेक्शन थे इसमें।
कि अब देखो यहाँ लिस्ट दे रखी है कौन कौन से, तो ये लगभग सारे दे रखे हैं इन इन मामले। एक आदमी है, तीन लोग मिलकर उसे पीट रहे हैं, उसका अधमरा कर दिया और आप वीडियो बना रहे हैं वहां, तभी पुलिस आ गई और वो लोग भाग गए। तो पुलिस ने पूछा क्या क्या हुआ था कि सर ऐसे ऐसे इन्होंने पीटा वगैरह जो भी है। तो बोले इतने देर तक पीटते रहे, तो बोले तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तो तुम्हारे पास तो मोबाइल था। सर मुझे क्या लेना देना बताऊं, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों पचड़े में पढ़ूं। तो वो कहेंगे आप पचड़े में हम डाल देते हैं आप। ये सारे सेक्शन 37, 38, 39 इनके संबंध में आईपीसी में इनके वॉयलेशन के लिए सेक्शन दिए हुए हैं, उनका पनिशमेंट वहां मिलेगा। तो ये जो काम है, हम सब लोग सारी जनता, ऐसे अपराध कहीं हो रहे